हमीरपुर में कोरोना के चलते एक युवक ने गले मिलने से इनकार करने पर नशेड़ियों ने बुरी तरह से पीट डाला है। युवक को मुंह और शरीर पर गहरी चोटें लगी हैं, तो युवक की नाक की हड्डी भी टूट गई है, जिसके चलते युवक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। वहीं हमीरपुर पुलिस ने भी मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवक मैकेनिक गांव गुंबर का रहने वाला है। पीड़ित युवक के भाई सन्नी ने बताया कि रात को फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि भाई के साथ दुकान पर मारपीट की गई है। उन्होंने बताया कि जब मेरा भाई दुकान पर बैठा हुआ था तो गले मिलने से इनकार करने पर पिटाई कर दी है और उस पिटाई में नाक की हड्डी टूट गई है। मारपीट में घायल हुए पंकज कुमार और रिंकी ने बताया कि दुकान पर कुछ युवक आए और बिना वजह से मारपीट करके चले गए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस में करवाई है और जल्द इन युवकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि पीड़ित युवक का मेडिकल करवाकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। हमीरपुर में NUJ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता NUJ के अध्यक्ष पंकज भारती द्वारा की गई। बैठक में सुजानपुर, भोरंज, लद्रोर और पटसर उपमंडल में नई कार्यकारिणी का गठन करने के बारे में चर्चा की गई और बैठकों के आयोजन की तिथि तय की गई। बैठक के दौरान NUJ के कई सदस्य मौजूद रहे। NUJ के अध्यक्ष पंकज भारती ने कहा कि बैठक में विभिन्न उपमंडलों में चुनाव होना है, जिसके संदर्भ में बैठकों की तिथियों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव करवाए जाएंगे, अन्यथा सर्वसहमति से ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। सोलन में इस बार जहां टमाटर की फसल ने किसानों को माला माल कर दिया, वहीं शिमला मिर्च ने भी उन्हें निराश नहीं किया। शिमला मिर्च लगाने वाले किसानों को भी उनके फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसके चलते जहां एक और किसान खुश हैं, वहीं सोलन सब्जी मंडी के आढ़ती भी खुश नजर आ रहे हैं। सोलन की सब्जी मंडी पर लॉकडाउन का कुछ खासा असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने जो नियम प्रदेश की मंडियों को चलाने के लिए बनाए, वे बेहद कारगर साबित हुए। यही वजह है कि यहाँ की शिमला मिर्च न केवल हिमाचल में बल्कि अन्य राज्यों में भी बेरोक टोक पहुँच रही है, जिसकी वजह से जिला सोलन और सिरमौर के किसान बेहद खुश हैं। सोलन के आरती राजीव कोहली ने बताया कि इस बार सोलन सब्जी मंडी में रोज 1200 से 1800 बैग शिमला मिर्च के पहुँच रहे हैं। इस बार किसानों को शिमला मिर्च की फसल के दाम भी 20 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिमला मिर्च की मांग पंजाब, हरियाणा, NCR और UP से बहुत आ रही है। मांग बढ़ने से शिमला मिर्च के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी दाम में कमी आने की संभावनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी किसानों को शिमला मिर्च के अच्छे दाम मिले थे और कोरोना संकट होने के बावजूद भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं।